अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्रैवल विद बाबर में खुश आमदीद। आज का हमारा सफ़र जर्मनी के शहर हैमबर्ग का है। आज हम करवाएंगे आपको हैमबर्ग के मुख्तलिफ मकामात की सैर और देंगे आपको दिलचस्प मालूमात। हमारे साथ रहिए। बिल्डिंग में जाएंगे वो DDA की सबसे टॉप अवार्डेड 1996 से लेके 2021 तक वो टॉप अवार्डेड बिल्डिंग थी। तो अभी हम कुछ बिल्डिंग दिखाएंगे आपको जो हैमबर्ग की सबसे स्पेशल बिल्डिंग थी। तो उसके बाद हम उस बिल्डिंग में जाएंगे जो टॉप अवार्डेड बिल्डिंग थी। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी जो बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं इसका नाम है एल्फे हारमोनी, इसको शॉर्ट लैंग्वेज में एल्फी भी कहते हैं। ये हैमबर्ग के बिल्कुल सेंटर में वाक़िया है और इसका ख़ास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्सर्ट हॉल है। तो इसका जो इसकी कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो एक जर्मन कंपनी मायर ऑफ हैमबर्ग ओले बर्स्ट को दिया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2007 में शुरू की थी और 2010 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो इसकी 2008 में जो कॉस्ट का अंदाज़ा लगाया गया था वो $241 मिलियन था। तो अभी फिर उसके बाद 2012 में दोबारा इसकी कॉस्ट का जो अंदाज़ा लगाया वो $450 मिलियन था। और जब इसका काम जो कि 31 अक्टूबर 2016 को ख़त्म हुआ तो उसके बाद इसकी कॉस्ट जो थी वो थी €866 मिलियन। तो इसकी जो फर्स्ट कंसर्ट था इसमें जो हुआ वो तकरीबन 25 नवंबर 2016 को हुआ था और इसकी ऑफिशियल ओपनिंग जो हुई थी वो 11 जनवरी 2017 को हुई थी। इसमें जो पहला म्यूज़िकल जो म्यूज़िक बजा था वो पान म्यूज़िक था और बिन्यामिन ब्रिटन जो था म्यूज़िकल वो उसका पहला कॉन्सर्ट था। तो आइए दोस्तों, आप ऊपर चलते हैं, इस बिल्डिंग का आपको ऊपर से नज़ारा कराते हैं। तो इससे हमें लिफ्ट जो है ऑटोमेटिक लिफ्ट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं आगे ऊपर से इसका क्या नज़ारा है। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ थी जो ये 2000 अभी तक ये जो है इस तरह का कोई कॉन्सर्ट हॉल जो है वो नई दुनिया में कोई और बना सका। तो आइए देखते हैं ऊपर से इसका क्या नज़ारा है। का नज़ारा करते हुए तो मैं बताता चलूँ, इस बिल्डिंग की ऊंचाई जो है वो 108 मीटर है जो कि तकरीबन 354 फुट बनती है।
तो इसकी दूसरी साइड पे जो है वो समंदर का एक हिस्सा मिलता है जो हमारा पोर्ट है। तो हम जब अभी हम थोड़ी देर में नीचे जाके हम शिप का थोड़ा सा सफ़र करेंगे ताकि हम बिल्डिंग को दूसरी तरफ से भी आपको दिखा सकें। तो हम एक साइड से जो है इसमें ऊपर घूमने के लिए उन्होंने विज़िट करने के लिए जो है रास्ते बनाए हुए हैं, हम उन रास्तों में चल रहे हैं और ये सारा आपको पोर्ट दिखा रहे हैं। ये जो है हैम्बर्ग पोर्ट है, इसका सारा नज़ारा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप शिप का जो है पूरे शिप का सफ़र भी कर सकते हैं। 20 यूरो एक बंदे के जो इसकी टिकट होती है पूरे दिन की, जो पूरे जो है आपको पोर्ट का सफ़र करवाता है। शिप बड़े शिप भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, जिसमें भी आप जाना चाहें। लेकिन जो सामने क्रूज़ नज़र आ रहा है ये, तो इसकी टिकट ज़्यादा महंगी होती है। ये ज़्यादातर यूरोप टूर में जाते हैं, तो ये तकरीबन हफ्ते, दो हफ्ते या महीने का टूर होता है। तो ये देखिए, ये दूसरी तरफ अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सामने हैम्बर्ग सिटी है और डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। और हैम्बर्ग सिटी में जो है इस बिल्डिंग पर हम खड़े हैं, ये सबसे ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग है। इसकी खास बात ये भी है कि ये इसके ऊपर ज़्यादातर काम जो है वो ग्लास का हुआ, शीशे का हुआ है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा तकरीबन, जो कि हम जब बाद में आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सारा शीशे का बना हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इंजॉय करें। तो दोस्तों अभी हम शिप में बैठ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं एल्फी की जो है दूसरी तरफ से इसके मनाजर, जो कि ऊपर वाला हिस्सा जैसे मैंने बताया था ये शीशे का बना हुआ है। तो अभी हम इस शिप में बैठ के तो पोर्ट की दूसरी तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी आपको इसका जो थोड़ा सा पोर्ट में जो शहरनुमा शक्ल बनी हुई है उसकी आपको विज़िट करवाएंगे। ये अभी हम समंदर में जो है शिप में, छोटा शिप जो है एक समंदर में बस की शक्ल इख्तियार करता है, वो उसमें बैठे हुए हैं। छोटा सा हमने टूर लिया है इसका। तो देखिए एल्फी के मनाजर, और आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम शिप से उतर के बिल्कुल जो पोर्ट है हैम्बर्ग का, उसके ऊपर वाली साइड, दूसरी साइड, सिटी साइड की तरफ जा रहे हैं। तो ये पोर्ट का जो है दूसरी तरफ से समुंदर की अपोजिट साइड से नज़ारा है, जो कि अभी ये एक किला नुमा उन्होंने ब्रुक के बनाया हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाते चलते हैं कि ये हैम्बर्ग पोर्ट है।
तो दोस्तों अभी हम हैम्बर्ग का थोड़ा सा शहर घूम के, तो अभी हम इसकी जो है ट्रेन में बैठे हैं, जो छोटी ट्रेन होती है जिसको एसबान बोलते हैं, तो अब उस पर बैठ के हम थोड़ा सा पोर्ट का नज़ारा करते हुए अभी हम वापस एल्फी के पास जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ गाड़ी पार्क की है और उसके बाद हमने फिर अपने होटल जाना है, तो इसलिए हम जो है अभी आज का सफ़र जो है उसको अहतमाम की तरफ लेके चलते हैं। तो ट्रेन से देखिए पोर्ट का बहुत ही प्यारा नज़ारा, और हैम्बर्ग सिटी वाकई बहुत प्यारा और पोर्ट बहुत ही प्यारा है। और आइए देखते हैं, फिर चलते हैं होटल की तरफ। सो फाइनली अब हम अपना सफ़र यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अब हम आरे बिल्कुल थक चुके हैं और अभी हम अपने होटल में आए हैं। तो आइए, उन्होंने मुझे कोट दिया है, मुझे ये कोट इधर लगाना है, उसके बाद मुझे कमरा खुल जाएगा। ये कमरा खुल गया है तो देखते हैं अपना कमरा। तो ये हमारा रूम है, बेडरूम, और बहुत ही प्यारा फुटबॉल मैच देखने को मिल रहा है बैक साइड में। तो आज का सफ़र यहाँ तक ही था। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। हम तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।